धन्यवाद दमदार भैया, स्वागत भाई। आजादी का, आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं बेशक, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी को बेनियाबाग में कविता पाठ करने का मौका मिला है। बिल्कुल, प्रेम एक शाश्वत विषय है और यही कहकर मुझे पढ़ने को कहा गया है बेशक, और अपनी एक रचना पढ़ता हूँ। और रचना की छोटी सी भूमिका ये कह सकते हैं कि एक फौजी है जो बॉर्डर पर है और अपने प्रियसी को याद कर रहा है, अपने कैंप में लेटा हुआ है। कवि क्या सोचता है, आप सभी के हवाले करता हूँ। स्वागत है भाई। गीत पढ़ता हूँ। शांत हो जाने दो इस नयन की क्षुधा, बाद बरसों हो आए सपन चंद्रमा। वाह। शांत हो जाने दो इस नयन की क्षुधा, बाद बरसों हो आए सपन चंद्रमा। हमको जलने दो कुछ देर इस ताप में, आज जलने दो पूरा बदन चंद्रमा। वाह 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 वाह। शांत हो जाने दो इस नयन की क्षुधा, बाद बरसों हो आए सपन चंद्रमा। हमको जलने दो कुछ देर इस ताप में, आज जलने दो पूरा बदन चंद्रमा। बंद है कि किसी रोज फिर से उसी राह पर और उसी ठंड में तुम मिलोगे मुझे, ठीक वैसे ही जैसे थे पहले मिले, देख कर सब कलुष मोतियों से धुले। क्या बात। अंग होते शिथिल व्यंजनाएं खुली, शांत सब और हम रास्ते में गड़े। दो कदम दूर तुमसे पलक दो खड़े, मैं खड़ा दूर बस दो कदम चंद्रमा। बाद बरसों हो आए सपन चंद्रमा। और अगला बंद है कि बाद बरसों हो आए सपन चंद्रमा, अगला बंद है कि हमको मालूम है इस सदी की प्रथा, हमको मालूम है इस सदी की प्रथा, प्रेम पूजा नहीं ना ही बलिदान है, है जरूरत समय की हो जाती खत्म, संतुलित एक व्यवस्था का परिणाम है, तुम हमारी जरूरत रहोगे सदा, अब तुम्हारी जरूरत खत्म चंद्रमा। शांत हो जाने दो इस नयन की छुधा, बहुत बढ़िया, बाद बरसों हुआ है सपन चंद्रमा। बहुत अच्छे। अगला बंद है, अगला बंद आप सभी के हवाले करता हूँ कि बिंदु दो साथ में दूर तक कुछ चले, बिंदु दो साथ में दूर तक कुछ चले, राह पर एक चले दो दिशा बन गए। क्या बात। बिंदु दो साथ में दूर तक कुछ चले, राह पर एक चले दो दिशा बन गए, जीने मरने की कस्में वो खाते रहे, साथ रहकर के दूरी निभाते रहे, तुम भी हो साथ मेरे यहीं पर कहीं, आओ मिलकर के खाएं कसम चंद्रमा। शांत हो जाने दो इस नयन की क्षुधा, बाद बरसों हो आए सपन चंद्रमा। बहुत बढ़िया। गिर पड़े वेग में अनगिनत से नखत, तुमने जैसे ही छोड़ा गगन चंद्रमा। शांत हो जाने दो इस नयन की क्षुधा, बाद बरसों हो आए सपन चंद्रमा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और एक गजल सुनाता हूं और उससे पहले एक शेर सुनाता हूं और आप सभी को जोड़ता हूं। हाँ, अपनी, दो तीन अशार। हाँ, अपनी अंतिम रचना से। तो एक शेर है कि अपनी कौम से ज्यादा कहां अलहदा हूं मैं। बढ़िया है। अपनी कौम से ज्यादा कहां अलहदा हूं मैं, हर शख्स जब बुरा है तो बुरा हूं मैं। बढ़िया। और एक गजल पढ़ता हूं फिर अपना स्थान लेता हूं। तो मतलब है कि हिज्र को ही उम्र भर सोचा करें, हिज्र को ही उम्र भर सोचा करें, यानी अपने जख्म को गहरा करें। हिज्र को ही उम्र भर सोचा करें, यानी अपने जख्म को गहरा करें। शब दरख्तों में बहुत झगड़ा हुआ, शेरे की शब दरख्तों में बहुत झगड़ा हुआ, कौन उसकी कब्र पे साया करें। वाह। शब दरख्तों में बहुत झगड़ा हुआ, कौन उसकी कब्र पर साया करें। याद हमको भी है माजी का सफर, शेरे की याद हमको भी है माजी का सफर, वक्त हो तो बैठ के रोया करें। वाह। याद हमको भी है माजी का सफर, वक्त हो तो बैठ के रोया करें। वो नदी दरिया में आखिर जा मिली, वो नदी दरिया में आखिर जा मिली, अश्क कब तक चश्म में ठहरा करें। और शेर की अच्छे, बहुत बढ़िया। वो नदी दरिया में आखिर जा मिली, अश्क कब तक चश्म में ठहरा करें। और रोज एक रावण खड़ा है द्वार पर, रोज एक रावण खड़ा है द्वार पर, चाहिए संधान नब सीता करें। रोज एक रावण खड़ा है द्वार पर, चाहिए संधान अब सीता करें। कब तलक उस संग दिल के वास्ते, कब तलक उस संग दिल के वास्ते, या खुदा चीखा करें। और अगला शेर है कि ताब हो गर तुम तगाफुल लब करो,
ताब हो अगर तुम तगाफुल अब करो, हम पे लानत हो अगर देखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित भाई, बहुत अच्छा।